करोन वायरस क्या है? क्या यह एक से दूसरे इंसान में फैलता है? जाने ऐसे सभी सवालों के जवाब। मेडिकल जगत में आजकल चर्चा और चिंता का विषय बना हुआ है करोन वायरस। इस वायरस के तेजी से फैलने के केस सामने आ रहे हैं, जिससे चिकित्सा विशेषज्ञों के बीच चिंता बढ़ रही है। लगातार इस वायरस से जुड़ी नई जानकारियां सामने आ रही है, जिनमें इस वायरस के कारण होने वाली दिक्कतें और लक्षण जैसी जरूरी बातें भी शामिल है। आइए जानते हैं इस वायरस के कारण होने वाली बीमारियां और इसके प्रभाव के बारे में। करोन वायरस का प्रकोप फिलहाल एशिया में ही देखने को मिल रहा है। खास तौर पर चाइना में इस वायरस का बड़ा प्रकोप फैला हुआ है। यही वजह है कि भारत सरकार ने चाइना से आने वाले सभी यात्रियों की मेडिकल जांच के आदेश दे रखे हैं। इन यात्रियों का हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर थर्मल स्कैनर के जरिए शारीरिक परीक्षण किया जा रहा है। इस वायरस दिसंबर लास्ट और इस साल की शुरुआत में चर्चा का विषय बना। चाइना में इस साल अब तक इस वायरस के कारण 4 मौत होने की पुष्टि की गई है, जबकि इस वायरस में आने वाले लोगों की संख्या कई अधिक है और लगातार बढ़ती जा रही है। एक, कहां से फैलना शुरू हुआ करोन वायरस? जैसा कि हमने ऊपर भी बताया कि करोन वायरस के मामले सबसे पहले चीन में देखने को मिले। दरअसल चीन के हवाई प्रांत के वुहान शहर में इसका असर सबसे पहले और सबसे घातक रूप में देखने को मिला। चाइना के अलावा थाईलैंड, सिंगापुर, जापान में भी करोन वायरस के मरीज मिल रहे हैं। हाल ही इंग्लैंड में भी एक फैमिली के इस वायरस की चपेट में आने की जानकारी सामने आई है। दो, करोन वायरस क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार यह वायरस सी फूड से जुड़ा है और इसकी शुरुआत चाइना के हेवेई प्रांत के वुहान शहर के एक सी फूड बाजार से ही हुई मानी जा रही है। खास बात यह है कि ए वायरस न केवल इंसानों बल्कि पशुओं को भी अपना शिकार बना रहा है। तीन, क्या करोन वायरस एक से दूसरे इंसान में फैलता है? करोन वायरस को लेकर हर रोज नई नई अपडेट्स आ रही है। पहले इस वायरस के बारे में कहा गया था कि यह इन्फेक्टेड सी फूड खाने से ही फैलता है, जब WHO ने इस बात की पूरी संभावना बताई है कि यह वायरस परिवार के लोगों में एक से दूसरे को फैल सकता है। चार, करोन वायरस के लक्षण क्या है? करोन वायरस से संक्रमित व्यक्ति को सबसे पहले सांस लेने में दिक्कत, गले में दर्द, जुकाम, खांसी और बुखार होता है। फिर यह बुखार निमोनिया का रूप ले सकता है और निमोनिया किडनी से जुड़ी कई तरह की दिक्कतों को बढ़ा सकता है। पाँच, करोन वायरस का इलाज क्या है? अभी तक सीधे तौर पर करोन वायरस पर अटैक करने वाली कोई वैक्सीन मार्केट में भी नहीं आई है, लेकिन इसके लक्षणों के आधार पर डॉक्टर्स इसके इलाज में दूसरी जरूरी मेडिसिन का उपयोग कर रहे हैं। साथ ही साथ इसकी वैक्सीन तैयार करने पर भी काम चल रहा है। छह, करोन वायरस से बचने के तरीके क्या है? पहली और अहम बात है कि जब तक करोन वायरस का प्रकोप शांत नहीं हो जाता, जितना हो सके सी फूड से दूर रहे। साफ सफाई करोन वायरस से बचने का दूसरा और जरूरी तरीका है। कहीं भी बाहर से आने या कुछ भी खाने से पहले अपने हाथ अच्छी तरह से साफ करें। सिर्फ पानी से नहीं बल्कि साबुन या हैंड वॉश से धोए। अपने साथ हैंड सैनिटाइजर हमेशा रखे। जहाँ पानी से हाथ धोने की व्यवस्था ना हो वहाँ इसका इस्तेमाल करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करने के बाद हाथ साफ किए बिना उन्हें अपने चेहरे और मुंह पर ना लगाएं। बीमार लोगों की देखभाल के दौरान अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। अपने नाक और मुंह को कवर करके रखें। उनके इस्तेमाल किए हुए बर्तन और कपड़ों का उपयोग करने से बचें। साथ, क्या करोन वायरस से मृत्यु हो सकती है? करोन वायरस अगर लंबे समय तक अपना प्रभाव बनाए रखने में सफल हो जाए तो यह घातक स्तर पर पहुंच जाए तो जान के लिए खतरा पैदा कर सकता है। यह इस वायरस का दूसरी बार प्रकोप है और इस दौरान दुनिया भर में 30 से अधिक मौत होने की खबरें आ रही है। धन्यवाद।